दोस्तों, एक मामूली सी मूंगफली जिसे हम आम तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर यही मूंगफली तस्करी के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF ने 35 लाख रुपए की अवैध विदेशी करेंसी जब्त की है। जी हां, एक पैसेंजर ने नोटों को मूंगफली, पके हुए मीट और बिस्किट के पैकेट में अंदर छिपाकर ले जाने की कोशिश की। खाने के इन सामान से कुल 508 नोट जब्त किए गए। ये वारदात 11 फरवरी की शाम की है। एयर इंडिया की फ्लाइट से दुबई जा रहा 25 साल का मुराद अली जब टर्मिनल 3 पहुंचा तो पुलिस कर्मियों को उसके बर्ताव पर शक हुआ, जिसके बाद उसके बैग की जांच की गई। CISF ने जो करेंसी जब्त की है उसमें सऊदी रियाल, कतरी रियाल, कुवैती दिनार, ओमानी रियाल और यूरो शामिल हैं। आरोपी और करेंसी को कस्टम के हवाले कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले मुराद अली टूरिस्ट वीजा पर दुबई जा रहा था। उसने CISF को बताया कि वो मजदूरी करता है और किसी के आदेश पर खाने का ये सामान ले जा रहा था। CISF को शक है कि करेंसी की तस्करी के लिए वो कोरियर का काम करता है, क्योंकि इससे पहले वो दुबई और कई दूसरी विदेशी जगहों पर जा चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.